गाइस यहाँ पे चटनी बन रहे है। हम लोग का यहाँ फेमस है पानी भात ओडिशा में। रीमा को बहुत ज्यादा पसंद, अम्मी को बहुत ज्यादा पसंद। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। गाइस अभी सुबह का 9 बज रहा है, 9:16 हो रहा है। मैं जल्दी ब्लॉग भी डाले था, उठ के एडिटिंग करके जल्दी ब्लॉग डाल दिया हूँ। महक को देखो, महक सोई थी, अभी भी उठी है। रात में इतना नींद आ रहा था तो पूरा सो के रही थी इसी। तो खाना बना के हम रेडी रखे थे, हम सोचे जब उठेगी तब खिलाएंगे। रात में उठी नहीं, मैं सुबह सुबह उठा जब ना एडिटिंग करने के लिए, देखता तो ये सोई है, खाना उसका ऐसे पड़े। फिर महक को उठाया, उठा खिला दिया, फिर से सो गई वो। अभी जस्ट उठी है, ये देखो। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, बोल दो उसका हंसी जो गुड मॉर्निंग है। चलो बाबली, हमारी माना उठ गई। इसे जब उठती है ना रोती है, आज रोई नहीं है क्योंकि पेट भरा हुआ है ना, पेट भरा हुआ है ना। 6 बजे खाना खाए थे, बच्चा 6 बजे खाना खाइए, आपको इतना नींद आता है तुम सो जाते हो, रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा। लो दादी बुला रहे थे, अभी मालिश लोगे, महक मालिश लेंगे अभी। जी बुला रहे थे, ऐसे ऐसे करके घसेंगे। चलो ऐसे इसका नाक है ना थोड़ा चपटा है, मालिश कर करके इसको उठा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे उठाएंगे तो सीधा हो जाएगा थोड़ा, नहीं तो नेपाली बन जाएगी मेरे बच्चा। आप बाली क्या हाई है तुम्हारा, इस अंगड़ा ही तोड़ रहे हैं। बाबा बाबा, अरे मुँह से थोड़ा फूंकता हूँ, देखो कैसा होएगी, चमक रही है। और गैस महक अभी नीचे आ गई है, मालिश लेगी दादी के पास से, मम्मी के पास पाओ गेलू हो रही है। बाबाली बाबाली, गेलू गेलू होता मेरे बच्चे, गेलू होते। अब वो यहाँ पानी दे रहे हैं पौधे सब में, पाइप बड़ा पाइप जॉइंट कर दी, निकाल दिया था मैं। अम्मी मैं कही भाग कर यहाँ चलाया था। अम्मी यहाँ सुबह सुबह चूल्हा में खाना चावल बैठा दिए थे, चावल हो गए गरम गरम चावल। यहाँ पे रजनीगंधा हुआ है, वहाँ पे पौधे था वो खत्म हो गया, अभी ये हो रहा है रजनीगंधा। बहुत दिन के बाद पकड़ा है रजनीगंधा। अबू गाड़ी धो रहे थे, पाइप निकल गया, एक दूसरे साथ में जॉइंट था वो निकल गया। अबू निकल गए कल ही पानी के प्रेशर से ना। और गैस महक यहाँ मालिश हो रही है, मालिश होगा मेरे बंदा, आज रोएगी नहीं शायद, मोड उसका अच्छा है। अच्छा नेपाली हो जाएगी मेरे बच्चा, नेपाल की हो जाएगी, नाक चपटा चपटा। गैस यहाँ पे चटनी बन रहा है, सुखा मच्छी चटनी और टमाटर चटनी, बैगन चटनी सब बन रहा है। अभी पानी भात खाएंगे सब लोग, हम लोग का यहाँ फेमस है पानी भात ओडिशा में, तो वही खाएंगे अभी, है ना मम्मी, पानी भात। चटनी बन रहा है, वेराइटी चटनी। रीमा को बहुत ज्यादा पसंद, अम्मी को बहुत ज्यादा पसंद, मुझे ज्यादा नहीं, मुझे कम पसंद है, लेकिन अच्छा लगता है। तो अभी गाइस नाश्ता करेंगे, ये रहा मेरा पानी भात चटनी, 3 आइटम चटनी हुआ है, साथ में अचार। चलो खाते हैं, अम्मी गरम भात खा रहे हैं, गरम चावल खा रहे हैं, सर्दी जुकाम हुआ अम्मी को, रीमा भी खा रहे गरम चावल। हाँ चटनी का साथ में भात अच्छा लगता है। चलो खाना खाता है, नाश्ता करता है फटाफट। हम लोग ऐसे ही खाते हैं, पानी भात चावल सुबह का नाश्ता ही, रोटी। तो ऐसे भी नाश्ता वगैरह हो चुका है और मैं जा रहा हूँ मार्केट, दाढ़ी वगैरह मार के आऊंगा। हाँ कलाम भी बोल रहा था जाने के लिए सैलून, वो तो सोया है। कलाम का रात भर वीडियो बना रहा था, सुबह सुबह नाश्ता करके सोया है। क्या खाया था अम्मी, रोटी वगैरह खा के सोया था। हमारे माँ बेटा बात कर रहे थे, हमें जो बाड़ी बनाया है ना वहाँ पे, उसमें सब्जी वगैरह लगाने के लिए मिट्टी डाला है, 13-14 हज़ार रुपये उसमें खर्च किए है। तो मिट्टी वगैरह डाला है, थोड़ा सा बाड़ा भी कर दिए, और छोटे छोटे मुर्गी सब घुस जाते हैं, गाय गोरू बकरी सब घुस नहीं पाते हैं, लेकिन मुर्गी सब घुस के ना खा जाते हैं, बीच वगैरह डालते ना खा जाते हैं। तो इसके लिए जाल 2-3 किलो लगा के चारों साइड में घेर देंगे ना, मुर्गी जा नहीं पाएगी, और जो हमारा फसल जो भी लगाएंगे वो आराम से हो पाए। चलो जल्दी जाके, जल्दी आना पड़े, बहुत तेज धूप की है। अब वो गाड़ी धो के भी ढाँक दिए। चलो गाइस यहाँ से बाइक निकालते हैं, कल दिन भर बाइक ही नहीं निकाला मैं, कल कार ले गए थे ना मैं रीमा गए थे आयशागंज का घर, बाइक को नहीं निकाला था। चलो हम गेट लगाए, बकरी गोरु अंदर ना है, ये देखो अंदर आ गए, जा बाहर, ये कैसे किधर से आए, अच्छा ये इस रास्ते से आए। गोरु यहाँ छाँव में ना आके रेस्ट ले रहे हैं, बम्बू के पेड़ से है यहाँ पे छाँव है, यहाँ पे आके मस्त आराम कर रहे हैं बैल गाय। तो फाइनल गाइस मानस के पास आके पहुंच गया, उस मानस का सैलून में, और मानस यहाँ पे फ्री है, एक बंदा है खाली, इनका कटिंग खत्म हो गया अभी, उसके बाद में मेरा। इतने दिनों के बाद मानस आज फुर्सत में है। मानस तुझे पता है तू नहीं था, मैं वो सैलून में जाकर काट के आया तेरा भाई के पास, ब्लॉग में देखा होगा ना, मैं उसको बताया, मतलब मानस नहीं है इसके लिए तेरे पास आया। मानस अच्छा लड़का है, हीरा है, हीरा वो मेरा टकला दोस्त है, उसका बाल उखड़ गया, देखो बेचारा टेंशन में बाल उखड़ गया सब उसके। गाइस अभी मानस खाली हो गया बहुत दिन के बाद, कम से कम 2-3 हफ्ते के बाद आया हूँ मानस का सैलून, बाल पक गए मेरे, है ना मानस।
क्या करना पड़ेगा? तेरा भाई तो टकला हो गया, उसको बात छोड़। मैं टकला नहीं हुआ मेरा, लेकिन बाल पक रहे। मेहंदी कलर मार। वो बोल रहे मेहंदी कलर मार। मेहंदी कलर मारो, फिर जो ज्यादा पका तो नहीं पकेगा। सच बोल, अगर पक गया तो मैं बुढ़ा होऊंगा, तो तू सोच रहे तेरे से बुढ़ा हो जाऊं। तो अभी गाइस दाढ़ी बाल सब कटिंग खत्म हो गया है, माना जा रहा है खाना खाने के लिए, तो मैं भी जा रहा हूँ। जा जा, मैं भी जाता हूँ, मैं भी नहा धो के खाना खाऊंगा। चलो गाइस अभी घर पे पहुंच चुका हूँ और बाइक यहीं पे खड़ा कर दिया गेट का उस तरफ, क्योंकि यहाँ छांव है ना। मैं सोच रहा हूँ आज से 5 बजे वर्कआउट करने जाऊंगा, 9 बजे रात को 9 बजे से ब्लॉग एडिटिंग करूंगा, टाइम बना के रखूंगा, उस टाइम में वही काम करना है। तो इससे क्या होता है, टाइम टू टाइम सब काम हो जाएगा। तो वही सोच के मैं कर रहा हूँ, यहीं पे रख दिया हूँ, यहाँ छांव भी है, धूप भी नहीं लगेगा, आराम से रहेगा। अम्मी बोल रहे हैं गोरू गाय गोरू गिरा देंगे। नहीं गिराएंगे नहीं, ये मुर्गी आएंगी। अम्मी मुर्गी को बुलाया है, ये मुर्गी का लंच होएगा। देखो आ गए, थोड़ा सा मुर्गी कम हो गया क्या? तो अभी गाइस मैं नहा धो के आ चुका हूँ, चलो अभी नीचे खाना खाएंगे। कलाम भी सुबह से सोए उठा नहीं, ये भी खाना नहीं खाया, खाना खाएंगे, उसको बुलाता हूँ। कलाम ओए ओए उठ खाना चल। तो गाइस अभी खाना पीना हो चुका है, कलाम अभी तक सोया है, उठ उठा रहा था मैं, उठ नहीं रहा है। अम्मी बोला थोड़ा टाइम को बाद बुलाना, बाद में उठ के खाएगा वो। चलो अभी थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा फील्ड खेलने के लिए, और 5 बजे जाऊँगा जिम। यहीं से जाऊँगा फील्ड में खेलूँगा, उसके बाद 5 बजे जिम जाऊँगा। तो रमज़ान महीना ख़त्म हो चुका है, तो अभी जाना पड़ेगा थोड़ा बाहर, थोड़ा घूमना पड़ेगा। नहीं इसकी अम्मी खाना खा ली है, लेकिन महक खाना नहीं खाई। महक ए महक खाना खाए हो? लाइट दिख रही है, खाना नहीं खाए। अम्मी के साथ में खेलती हो हैं, अम्मी की देखती हो? मेरी मरना है, मरना मेरी कुट मरना है। तो भाई शाम हो चुका है, मैं खाना पीना खा गया, थोड़ा सा रेस्ट ले रहा था, सो गया भाई, नींद आ गया पूरा। महक भी सो गई थी, मैं भी सो गया था, दोनों सो गए थे। पर शाम को उठे, अभी अभी जस्ट उठे, उठ के फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ। मैं पहले बोल तो रखा था जिम जाऊंगा और फील्ड जाऊंगा खेलने के लिए, कहीं जा नहीं पाया। और कलाम अभी वीडियो बना रहा है, मम्मी हंसती ना। तो अभी गाइस कलाम अभी टुनाइट अपडेट बनाएगा, और मैं भी जा रहा हूँ मार्केट, थोड़ा सा काम है। हाँ जल्दी जल्दी वीडियो बना, और टाइम मिले तो कुछ तो भी करना है साथ में। चलो तो अभी गाइस मैं जा रहा हूँ मार्केट, क्योंकि ATM से पैसा उठाना है, फैजान के पापा को देना है। ग्रुप लोन को कोई पैसा भेजा उनका जीजाजी, तो मेरे अकाउंट में भेजा है, मुझे बोला उठा के देने के लिए। मैं अभी जा रहा हूँ, बस आके फिर घर पे वर्कआउट करूंगा। तो चलो चलते हैं। महक कांटा मिलता है आंगनबाड़ी से, रीमा खाते खाते नहीं, तुम भी खाते? ऑमलेट बनाए कौन खाते है, महक तो खाती नहीं। भाई 10 बार अंडा मिलता है, मैं एक ही बार में खा सकता हूँ 10 बार अंडा। एक महीना, हाँ एक महीना तो हो के गया, पिछले कब मिला था? तब मिला था, अभी तक मिला नहीं, अभी एक महीना डेढ़ महीना हो गया अंडा नहीं मिला। पता नहीं कब मिलेगा, फिर जब मिलेगा फिर खाएंगे। बच्चे का अंडा मिलता है, बच्चे का बाप चचा माँ इसे खा लेते हैं। बच्चे खाती नहीं है, बच्चा दूध पीती है। सरकार क्यों नहीं देगा? सरकार को हम थोड़ा बोले हैं दो दो, वो दे रहे हैं खुशी से। सरकार जो देता है, सरकार जब अभी देता है बच्चों खाएंगे, पहले देता था माँ को खाने के लिए, अभी भी देता है। हिंदी अच्छा बोलते हो। सरकार जो अंडा देता है ना बच्चे लोग को, जब प्रेग्नेंट रहते हैं तब देता है। किसको खाने देते है? मम्मी को देता है। उसके मम्मी खाते थे, मम्मी बाप खा रहा था, बच्चा का बाप खा रहा था, माँ को खाने के लिए देते है। माँ तो खाती नहीं है, क्या करे, फेंक दे, हम खा लेते हैं। बच्चे खाएं, मैं मार्केट से जाकर आता हूँ, फैजान का पापा का पैसा उठा के देगा, मीटिंग का पैसा है। आलू छिल रहे हैं, क्या सब्जी बनाओगे? आलू भरता, वही अच्छा लग रहा है, आलू भरता, चटनी वटनी कुछ कर दू बस। मेरे लिए रोटी बनाओ अच्छी, ठीक है, रोटी खाऊ क्यों? मैं रोटी खाऊंगा, अरे रोटी बना के दो गरम गरम, शादी जब नहीं होता तब तो बोल रहे थे गरम गरम रोटी बना के दूंगी तुमको। हाँ तुम वैसे गाइस बाहर है ना, मस्त हवा लग रहा है। गाइस ATM में आके पहुंच चुका हूँ, फैजान के पापा यहाँ पे बुलाया हूँ, चलो पैसे उठाते हैं, फिर आने के बाद मैं दे दूंगा उनको। आ रहे हो गाइस, यहाँ ATM में पैसा नहीं है, और मैं इनके पास जा रहा हूँ, इनको ट्रांसफर कर देता हूँ, ये कैश दे देंगे मुझे। गाइस ये फैजान के पापा आ गए, लेकिन ATM खराब है, ATM में पैसा नहीं है, इनके पास पैसा ट्रांसफर किया हूँ तो ये कैश दे देंगे दुकानदार है, नहीं तो अभी दूसरा ATM जाना पड़ता, दूसरा मार्केट में जाएगी। हेलो, जो भेजे थे अभी ग्रुप मीटिंग का
3600 भेजे थे, 400 रुपए इसका मेरा। और कैसे मेरी मम्मी फोन किए थे मैं कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ, जैसे अंडा चप ले रहा हूँ और प्याज ही ले रहा हूँ और बड़ा दे दो दस्त। और हर पड़ोसी में मंगनी था कोई लड़की का, मिठाई दे रहे मिठा, हम लोग कहाँ ऐसे ही देते हैं, एक केला चार मीठा। चलो सब लोग मिल के खा लिए पकौड़ा, अम्मी प्याजे खा रहे हैं, दो बात कर रहे हैं प्याजे खा रहे हैं, और 3 पकौड़ा है मैं खा लेता हूँ, मैं खा लेता हूँ। ये मीठे भी ख़त्म हो गए और 2 लड्डू बचे हैं, 4 मीठा था, 1 केला था, मैं केला खाया 1 मीठा खाया। और अभी रीमा हुआ अंडा छिल रहे हैं, अंडा खाऊंगा, तरबूज भी है तरबूज काट के खाएंगे, तरबूज काटो कलाम खाएगा मैं खाऊंगा। एक ऐसा चैलेंज बनाएंगे, एक दिन खाने का डे और एक दिन भूखे डे, ऐसा ऐसा डे बनाएंगे। फैन बंद कर दिए ब्लॉग बनाने के लिए, महक रो रही है, रुक रुक फैन चालू करता हूँ। चलो गाइस हम सबका खाना पीना हो गया और कलाम के लिए ले जा रहा हूँ तरबूज और ये अंडा। काम खत्म हुआ, कलाम क्या खागा देखते हैं, पूरा रमजान महीना है, एक बार भी अच्छा तरबूज खाने में। अभी तो अच्छा है, अभी खा के देखते हूं कैसा है। अच्छा है, इसका एडिटिंग कंप्लीट हो गया, लास्ट डे ये मैकबुक में एडिटिंग करता है। बैठे बैठे ये भी खा ले, वॉइस ओवर तो हो गया ना। गैस भी हम सबका खाना पीना हो चुका है और हम दोनों भाई मैच देख रहे हैं, मुंबई इंडियंस और चेन्नई। 11 बॉल में 45 रन हो सकता है, कलम चौड़ा करते हैं बड़ा कर, 10 बॉल में 44 रन हो सकता है, रोहित शर्मा है ना फिर सकता है। हार गया भाई मैं तो जो टीम जीता उसके तरफ था, तो पार्टी बदल देते हैं। तो गाइस कल रात में ब्लॉग एंड नहीं किए थे, मैं सो गया था तो इसके लिए ब्लॉग एंड नहीं कर पाए। चलो गाइस आज का ब्लॉग में इतना था, आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।